हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 2 क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है? आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारा डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ए डिटरमाइनर इज अ वर्ड। डिटरमाइनर क्या है? ऐसे वर्ड हैं दैट इंट्रोड्यूस अ नाउन, जो कि नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं। इट ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन, ठीक है, हमेशा नाउन से पहले यूज किए जाएंगे, आफ्टर कभी नहीं। एंड इट ऑल्सो कम्स बिफोर एनी अदर एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव्स होते हैं नाउन को जो डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, उनसे पहले भी इनका यूज किया जाता है। डिटरमाइनर्स आर रिक्वायर्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन, ठीक है, बट आर ऑप्शनल। तो जो डिटरमाइनर्स हैं वो, ठीक है, वो सिंगुलर नाउन से पहले इनका यूज़ किया जाता है, ऑप्शनल हैं। बट इट कम्स टू इंट्रोड्यूसिंग प्लूरल नाउन्स, यानी ये जो है इंट्रोड्यूस कहाँ किए जाते हैं, प्लूरल जो नाउन्स होती हैं उनको जो है इंट्रोड्यूस करने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए। सिंगुलर में ये ऑप्शनल रहेंगे। डिटरमाइनर्स कैन बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग टाइप्स। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले डिटरमाइनर्स क्या हैं? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में हम ए एंड द के बारे में पढ़ते हैं। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ए एंड द का यूज़ हम जो है कहाँ और कैसे कैसे करते हैं बिफोर नाउन। नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव यानी किसी भी जो भी थिंग्स या ऑब्जेक्ट हैं उनको डेमोस्ट्रेट करने के लिए, लाइक दिस इज़ अ टेबल, ठीक है ना। तो ये क्या है, टेबल को डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं कि दिस इज़ अ टेबल। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स होंगे। नेक्स्ट है नंबर 3 पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब क्या है? पोजीशन, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ एक तरह का रिलेशन दिखाई दे। जैसे दिस इज माय पेन, तो माय क्या हुआ यहाँ पे, माय डिटरमाइनर हुआ, ठीक है। माय यहाँ पे पोजेसन है, यानी पेन जो है वो मेरा है, ये रिलेशन बता रहा है मेरे और पेन के बीच का। सो माय, योर, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, तो ये सब क्या है, पोजेसन है। नेक्स्ट है इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स। इनडेफिनिट यानी जिनकी कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है, जैसे सम, एनी, एनी यानी कोई, सम यानी कुछ, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, लेस, ये सब क्या हैं, इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स हैं। इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स हैं और डिटरमाइनर्स हैं। नाउ वी विल प्रैक्टिस द यूज़ ऑफ मच एंड मैनी इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज। और ये जो एक्सरसाइज हमें दी गई है, इसमें हम आज मच एंड मैनी इसका यूज़ करेंगे कि मच और मैनी को हम कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे दिए गए हैं आपको कुछ फिलअप्स जो आपको कंप्लीट करने हैं। सो देखिए, नंबर 1 दिया गया है, देयर इज नॉट डैश मिल्क इन द बॉटल। अब देखिए यहाँ पे वी यूज़ मच विद अनकाउंटेबल नाउन्स। मच हम किसके लिए यूज़ करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, ठीक है। एंड मैनी हम करते हैं काउंटेबल नाउन्स के लिए। तो आपको ध्यान रखना है मच कहाँ यूज़ किया जाएगा, जहाँ हम ऑब्जेक्ट को काउंट नहीं कर सकते, और मैनी जहाँ उनको हम काउंट कर सकते हैं। मैनी वर्ड लगाएंगे लेकिन ऐसी कंडीशन होगी जहाँ उनको हम काउंट कर सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आप क्लियर कर लेंगे। मच कैन ऑल्सो मीन टू अ ग्रेट डिग्री और इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो फर्स्ट दिया गया है, देयर इज नॉट डैश मिल्क इन द बॉटल। देयर इज नॉट डैश मिल्क इन द बॉटल, डैश यहाँ पे मच या मैनी आपको फिल करना है। तो मिल्क जो है उसको हम काउंट तो नहीं कर सकते, तो इसलिए इसमें क्या आएगा, देयर इज नॉट मच मिल्क इन द बॉटल। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, I have dash friends in the school, so हम friends को count कर सकते हैं। So I have many friends in the school, I have many friends in the school. Number 3, the director did not have dash to say about the movie. So did not have यहाँ पर क्या है, यहाँ पर words के बारे में है कि उसके पास कोई words नहीं है। सो अनकाउंटेबल होगा तो क्या लगाएंगे हम, मच। द डायरेक्टर डिड नॉट हैव मच टू से अबाउट द मूवी, यानी ज़्यादा कुछ कहने के लिए उनके पास नहीं है मूवी के बारे में। नंबर 4, एवरीबडी सेज आई लुक डैश द सेम एज माय मदर। एवरीबडी सेज, हर कोई जो है क्या कहता है कि मैं अपनी मम्मी के बिल्कुल मम्मी के जैसा हूँ। सो आई लुक मच द सेम, आई लुक मच द सेम एज माय मदर। नंबर 5,
माई फादर हैज़ विजिटेड डेस प्लेसेस, अब प्लेसेस हैं तो उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, मैनी, आई माई फादर हैज़ विजिटेड मैनी प्लेसेस। नंबर सिक्स है, स्टूडेंट्स वर कॉल्ड फॉर ऑडिशन, स्टूडेंट्स जो है उनको ऑडिशन के लिए कॉल किया गया था, बट ओनली फ्यू वर सेलेक्टेड, लेकिन कुछ ही सेलेक्ट हुए। तो देखिए यहाँ पे फिलअप स्टार्टिंग में है बिल्कुल, तो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट से पहले यहाँ फिलअप है इसके अंदर, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे है, ओके तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं ना, कितने स्टूडेंट्स जो है ऑडिटोरियम ऑडिशन के लिए बुलाए गए, सो मैनी स्टूडेंट्स, इसमें क्या आ जाएगा, मैनी स्टूडेंट्स वर कॉल्ड फॉर ऑडिशन बट ओनली फ्यू वर सेलेक्टेड। नंबर सेवन, द टीचर हैज़ टोल्ड अस डैश टाइम्स टू कम्प्लीट द होमवर्क इन टाइम, ठीक है, द टीचर हैज़ टोल्ड अस मच टाइम, टीचर ने हमें बताया कि आपके पास बहुत जो है टाइम है, मच टाइम्स टू कम्प्लीट द होमवर्क इन टाइम। नेक्स्ट देखिए नंबर एट, माई फादर थिंक्स मेरे पापा क्या सोचते हैं, दैट आई डोंट स्टडी मच आएगा। नंबर नाइन, प्लीज़ पुट ऑन योर मास्क, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, हम काउंट कर सकते हैं, सो मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। नंबर टेन, देयर इज डैश वर्क फॉर अस टू कम्प्लीट, देयर इज मच वर्क, यानी यहाँ बहुत सारा काम है, अब काम को हम काउंट तो नहीं कर सकते, सो देयर इज मच वर्क टू फॉर अस टू कम्प्लीट, तो हमारे कंप्लीट करने के लिए बहुत सारा काम है। सो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट, एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट क्लियर है, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।